कुछ पल सिर्फ बहरूज से खास बनते हैं। बहरूज द रॉयल बिरयानी। बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल को लेकर पुलिस ने किए कई खुलासे। महिला के साथ दुष्कर्म करके फरार हो गया था आरोपी। पुलिस ने कई जगह तलाश किया उसको, लेकिन पुलिस के शिकंजे में नहीं आ पाया। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद महिला थाना प्रभारी ने योजनाबद्ध तरीके से पकड़ा मोरवाल को। आज पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। पुलिस पूछताछ में दुष्कर्म करने के बाद कई जगह छुप कर बैठा था करण मोरवाल। शिरडी, तारखेरी, मथुरा, बड़ौदा सहित कई स्थानों पर छुपा था। रेप के आरोपी करण मोरवाल के साथी का भी नाम सामने आया। पुलिस ने राहुल राठौर को भी बताया आरोपी। बहरहाल पुलिस की एक टीम के द्वारा बड़नगर सहित मोरवाल के कई ठिकानों पर दबिश देने के बाद हाथ आया मोरवाल। इस मुहिम में महिला टीआई ज्योति शर्मा, सब इंस्पेक्टर रश्मि पाटीदार व उनकी पूरी टीम की सराहनीय भूमिका रही। जब पीआर लिया तो पीआर के बाद हमने उससे पूछताछ की कि भाई फरारी कहाँ काटी और किसने आपको प्रश्रय दिया। तो उसका ये कहना था कि जैसे कि एफआईआर में केवल करण मोरवाल मुलजिम था और उसके बाद जो राहुल राठौर है वो भी मुलजिम हो गया था 506, क्योंकि पीड़िता का ये कहना था कि उसने उसको धमकी दी जान से ख़त्म करने की, उसको और उसके परिवार को, तो उसको भी मुलजिम बना दिया था। और उसने बताया कि मैं जब ये एफआईआर हुई और बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ तो फिर मैं फरारी के समय में तारखेड़ी रहा हूँ, मथुरा रहा हूँ और बड़ौदा रहा हूँ, शिरडी रहा हूँ, ये सारी चीज़ें उसने बताई। और राहुल राठौर जो उसका दोस्त है, बहुत ही कितना जिगरी हो सकता है, अपन सोच सकते हैं कि पूरे समय वो उसके साथ रहा है। उसके ऊपर अपन ने 211 धारा भी अपन ने इजाफा किया है और उसको मुलजिम भी बनाया है। यही कहना था उसका। वो घर में रह रहा था मैडम या होटल वगैरह में कहीं? अब उस नहीं, घर में तो नहीं रह रहा था वो। उसका ये कहना था कि जहाँ जहाँ मैं यहाँ पर रहा हूँ तो जो भी, ये तो सारे धार्मिक स्थान हैं, मुझे लगता है तारखेड़ी भी काफ़ी अच्छा धार्मिक स्थान है, उसके आस पास में भी जो भी अवेलेबल चीज़ रही है वही रहा है। इसमें ये नहीं आया कि इसको संरक्षण कौन दे रहा था, किसकी वजह से? ये राहुल राठौर का ही बता रहा है, उसके समय ही पूरा रहा है, किसी के घर में, किसी के बंगलों में, किसी जगह नहीं रहा उसके। काफ़ी देर हम लोग रात में पूछताछ करते रहे, आज मॉर्निंग में टीम भी गई थी। मोबाइल उसने पहले बताया कि वो जो मोबाइल है जिससे चैटिंग वगैरह इनकी हुई है वो मैंने घटना के बाद से ही तोड़ के फेंक दिया। फिर बोला कि नहीं, मैंने अपने जो बड़नगर में इसका जो खेत है वहाँ पर जो इसका मंदिर और घर बना हुआ है वहाँ मैंने रख दिया, वहाँ ले गई थी। फिर उसने बताया दूसरे वाले खेत में रखा है वहाँ ले गई थी, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिल पाया। बार बार अपने स्टेटमेंट्स चेंज करता है।